स्ट्रेटनिंग और स्मूदनिंग में से अगर एक चुना जाए सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है स्मूदनिंग, क्योंकि जो स्ट्रेटनिंग रहती है वो बेसिकली अपने बालों को पूरी तरह से हीट करके उन्हें सीधा रखने की कोशिश की जाती है, तो वो जो हीटिंग रहती है वो आपके बालों को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर देती है। प्लस जब आपकी न्यू हेयर ग्रोथ रहती है तो जरूरी नहीं है कि वो भी स्ट्रेट ही होगी। सो जो आपकी न्यू हेयर ग्रोथ रहती है अगर वो थोड़ी सी भी कर्ली हो और यहाँ से आपकी स्ट्रेटनिंग है तो काफी ज्यादा अजीब लगने लगते हैं बाल। सो स्ट्रेटनिंग जो है अवॉइड कीजिए, वो मत कीजिए। परमानेंट स्ट्रेटनिंग काफी ज्यादा डेंजरस भी होती है। एंड अगर स्मूथनिंग करते हो तो ठीक है, स्मूथनिंग भी कोई हद तक डेंजरस होती है लेकिन स्ट्रेटनिंग से तो कमी होती है। स्मूथनिंग में कैसे आपके बालों को एक पोशन दिया जाता है जिसकी वजह से जो है वो हमेशा सेट रहते हैं, काफी ज्यादा मैनेजेबल बन जाते हैं। तो आप भी पूछ सकते हैं ब्यूटी एंड फैशन से रिलेटेड कोई भी सवाल बोलो ऐप पर। डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पाए अपने सारे सवालों के जवाब, वो भी हमारे ब्यूटी एंड फैशन एक्सपर्ट से, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डाउनलोड करें द बोलो ऐप।